जब आप पूजा पाठ करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं तो आपके शरीर में दर्द क्यों होने लगता है? आपके शरीर में अलग अलग जगह पर दर्द होना क्यों शुरू हो जाता है? कई माताओं बहनों का प्रश्न है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनके कंधों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दर्द का क्या कारण है? आइए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिए। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वीडियो को आरंभ करते हैं तो देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और आपके शरीर में दर्द होता है तो आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा बैठ जाती है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे कंधों, घुटनों और नाभि के ऊपर बैठती है। अब अगर ऐसे में आप मंत्र जाप करते हैं तो देवी देवता की शक्तियाँ, भगवान की शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। इस सकारात्मक ऊर्जा से हमारे शरीर में बैठी उस नकारात्मक ऊर्जा को कष्ट होता है। वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे द्वारा किए गए मंत्र जाप की शक्ति को झेल नहीं पाती, तो ऐसे में वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में दर्द देना शुरू कर देती है, ताकि हम दर्द के कारण अपना मंत्र जाप छोड़ दें। क्योंकि हमारे मंत्र जाप के कारण उस नकारात्मक ऊर्जा को कष्ट होता है, तो ऐसे में आपको लगे कि मंत्र जाप से मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप पूरी हिम्मत के साथ मंत्र जाप करें, जिससे हमारे मंत्र जाप से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा से वह नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाए। एक गिलास पानी को हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित करके उसमें 3 फूंके मारिए और फिर उस पानी को पी जाइए। आप देखेंगे कि आपके शरीर से बहुत जल्दी वह नकारात्मक ऊर्जा हट जाएगी और निरंतर मानसिक जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर माता काली के क्रीम बीज मंत्र का चलते फिरते जाप करें। चलते फिरते जाप करने से आपके शरीर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं कर पाएगी और आपका मंत्र जाप भी निरंतर रहेगा, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, कष्ट भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। ऐसी ही और भी निरंतर जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।